केजीएफ के रॉकी भाई रॉकिंग स्टार यश ने हाल ही में एक स्टेटमेंट में कहा कि वो इस फिल्म को पहले मना करने वाले थे, जिससे फैंस के होश उड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। केजीएफ चैप्टर 2 एक हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है और आने वाले 14 अप्रैल को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म की रिलीज को अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और प्रमोशंस जोरों शोरों में चल रहे हैं। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने डायरेक्टर और यश के साथ में बैठ के एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने इस फिल्म को लेकर उनसे बातें की। जब फरहान ने यश से पूछा कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट में उन्हें ऐसी कौन सी खास बात लगी जिसकी वजह से वो इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गए, इस पर जवाब देते हुए यश ने कहा कि सबसे पहली बार जब उन्होंने इस फिल्म का नरेशन सुना तो वो इस फिल्म को मना करने वाले थे, और वो उसकी वजह इस फिल्म की गंदी स्टोरी नहीं बल्कि बहुत ही गंदी नरेशन थी जो दी गई थी फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील के द्वारा। यश बोलते हैं कि डायरेक्टर की नरेशन इतनी खराब थी कि वो क्या उस टाइम पे साउथ का कोई भी बड़ा एक्टर इस फिल्म को करने के लिए हाँ नहीं कहता, पर क्योंकि डायरेक्टर की पहली फिल्म उमग्रम बहुत ही अच्छी फिल्म थी, इसी वजह से मैंने इस फिल्म को करने के लिए हामी भरी। जैसे यश का ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर आया, फैन शॉक हो चुके हैं और कई लोग इस बात को लेकर बहुत खुश भी हैं कि यश ही हैं जो इस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा ये कैरेक्टर कोई और प्ले ही नहीं कर पाता। 14 अप्रैल को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और इसके साथ में साउथ के एक्टर थालापति विजय की फिल्म बीस्ट और शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी भी क्रैश करने वाली है। ऐसे में इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस को लेकर काफी लोग कई बातें कर रहे हैं, पर ट्रेड एक्सपर्ट्स की बात माने तो ये फिल्म अपने पहले ही दिन पर 100 करोड़ का बिजनेस पार कर सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट से बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्राइडे फिल्म्स को।